दोस्तों आज का वीडियो बड़ा इम्पोर्टेंट होने वाला है और आज के वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं कि आप ईपीएस के मेंबर तो हैं बट आपकी कंपनी ने पेंशन में पैसा जमा ही नहीं करा। अगर आप इस रीज़न को पढ़ेंगे तो इसको आज हम इन डिटेल बात करने जा रहे हैं। ईपीएस मेंबरशिप डिटेल्स ऑफ प्रीवियस सर्विस एज ईपीएस कॉन्ट्रीब्यूशन नॉट डिडक्टेड। इतना आप समझ लीजिए रीजन्स जो रहता है। ओके, आप यहाँ पे भी रीड कर सकते हैं। सिंपल है, मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि आप ईपीएस के मेंबर हैं बट आपका ईपीएस मतलब पेंशन का पैसा जमा ही नहीं करा गया। तो आज की वीडियो इम्पॉर्टेंट है, देख लीजिए, पूरा समझ लीजिए और वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए। और अगर आपको भी पीएफ से जुड़े हुए कुछ भी परेशानी है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कंसल्टेशन ले सकते हैं। बहुत कम कंसल्टेशन फ़ी है, आप पे करेंगे देन हम आपको बताएंगे, गाइडेंस देंगे जब तक आपका इशू रिजॉल्व नहीं हो जाता है। तो अब शुरू करते हैं। चलिए आज हम एग्जाम्पल लेते हैं पुनीत का। पुनीत एक पर्सन है, उन्होंने क्लेम अप्लाई किए, उनका क्लेम रिजेक्ट हो गया। उन्होंने फुल एंड फाइनल क्लेम अप्लाई करे थे और उन्हें पता चला कि इनकी कंपनी ने ईपीएस में इनको मेंबर बना दी थी। इनकी कंपनी ने ईपीएस का मेंबर बना दिया, ईपीएस में डेट ऑफ जॉइनिंग, डेट ऑफ एग्जिट भी अपडेट कर दिया बट पेंशन में पैसा तो जमा ही नहीं करा, 0000। और इसने मतलब पुनीत ने 2 साल काम किया था। अब पुनीत हो गया परेशान, पुनीत गया पीएफ ऑफिस में, पीएफ ऑफिस में बताया कंपनी से बात कीजिए, कंपनी में गया, कंपनी को जवाब ही नहीं दे रही है। कंपनी जैसे आप समझ लीजिए कॉन्ट्रैक्टर टाइप के हैं और वो पता ही नहीं कि करना क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या है। रियली ऐसी प्रॉब्लम होती है, पुनीत नहीं सबके साथ ऐसी प्रॉब्लम आती है। जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं आई नो कि आप लोग भी ये प्रॉब्लम से जूझ रहे होंगे, सफर कर रहे होंगे, दैट इज़ वाई आप इस वीडियो के अंदर हैं। बट डोंट वरी, आई एम देयर, आई विल सपोर्ट यू। ओके, इस केस में इसके एडवांस इन्फो आपके साथ खड़ा है, जहाँ भी हैं आपके साथ हम आपको ज़रूर बताएंगे। बट आप भी समझिए कि जो भी हम बताते हैं वो प्रैक्टिकल बताते हैं, जो हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस होता है, जो हमने जो रिजॉल्व करे उस बेसिस पे बात करते हैं। तो थोड़ा सा कंसल्टेशन फीस लेते हैं जो कि ज़्यादा नहीं होता है, बहुत कम होता है। इशू यही है कि जो बता दिया, सॉल्यूशन यही है कंपनी से कराना होगा। अगर कंपनी नहीं करेगी देन आप हमें अप्रोच कीजिए। देखिए, हम सबसे पहले आपको सॉल्यूशन बताते हैं, अगर नहीं होता है देन हम आपको बोलते हैं कंसल्टेशन हो, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पीएफ ऑफिस का चक्कर लगाना, कंपनी के चक्कर लगाने में बहुत खर्चा होता है। तो यू कैन सेव टाइम, यू कैन सेव योर एनर्जी एज वेल। कॉन्टैक्ट अस फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।